साफ साफ बनाना नोट्स, फिर बाद में मत बोलना नहीं है कुछ पढ़ने के नहीं है, तमाशा नहीं है, जितना लिखा रहा हूँ वो सब लिखना है। हेडिंग डालो पीएच कैलकुलेशन, पीएच कैलकुलेशन। देखो पीएच क्या होता है, पीएच किसी का, किसी विलयन की क्या है बोलो, एक माप है। इसको सोरेनसन ने बताया था, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यदि किसी का पीएच यदि 7 है, यदि किसी विलयन का पीएच क्या है बोलो 7 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उदासीन। क्या बोलेंगे, उदासीन। और यदि 7 से ज़्यादा है तो उसे क्या कहेंगे, क्षारीय या फिर बेसिक कह दोगे। और यदि 7 से कम है तो उसे क्या कह देंगे बताओ, एसिड कह देंगे या फिर अम्ली कह देंगे। तो अम्ली, उदासीन, क्षारी, यही विलयन को हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना रहता है, पीएच का कैलकुलेशन। अब पीएच कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों को कुछ कंसेप्ट है, जिसमें केस नंबर क्या देखते हैं, फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या देखते हैं, यदि सपोज मान लीजिए आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा पीएच निकालने का, पीएच इक्वल्स टू लॉग माइनस लॉग टू दी पावर क्या होता है, एच प्लस। ये पहला फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, केस नंबर फर्स्ट। एच प्लस यदि आप लोगों को टेन टू दी पावर माइनस ए के फॉर्म पे दिया है ऐसा, तो यहाँ पर जब भी आपको ऐसा मिलेगा तो पीएच को कैसे लिखेंगे बताओ, माइनस लॉग, और यहाँ पर टेन टू दी पावर क्या होगा, माइनस ए। अब आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा जो पावर में होता है वो कहाँ आ जाता है बोलो, सामने आ जाता है। क्या पढ़ा है, जो पावर में होता है वो सामने आ जाता है। तो माइनस यदि सामने आएगा तो लॉग क्या हो जाएगा बोलो, टेन हो जाएगा, और लॉग टेन की वैल्यू कितनी होती है, वन। तो पी एच इक्वल्स टू क्या आंसर बन जाएगा बताओ, वन नहीं बेटा, ए बनेगा। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन देता हूँ नोट करके, जो पावर में होगा ना, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और लिखता हूँ मैं, यदि पावर में होगा तो पावर वाले को कहाँ लिख देंगे बोलो, सामने। जैसे कि एग्जाम्पल, एच प्लस इक्वल्स टू टेन टू द पावर माइनस 3.3 दिया, तो पीएच क्या हम इस तरीके से उसे सॉल्व करेंगे क्या, नहीं। जो पावर में है उसको सीधा आंसर क्या लिख देंगे, 3.3। यदि एच प्लस यदि हमको टेन टू द पावर माइनस 5 दिया है तो हम क्या रखेंगे, 5। नहीं आया समझ में, तो इस तरीके से क्या डायरेक्ट आंसर लाया जा सकता है। तो ये पहला कंसेप्ट है पीएच का निकालने का। तो पीएच निकालने के लिए हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये तो केस नंबर पहला है, यदि केस नंबर दूसरे की बात करते हैं, केस नंबर सेकंड। यदि मान लीजिए हम लोगों को एच प्लस ए इंटू टेन टू द पावर माइनस क्या दिया है, बी दिया है, और यहाँ पर पीएच निकालने की बात कर रहा है, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, बी माइनस क्या कर देंगे बोलो, लॉग ए कर देंगे। अब इस वाले केस को कैसे अप्लाई करेंगे, आओ सीखते हैं। यदि एच प्लस इक्वल्स टू 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस क्या दिया है, 5, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पीएच निकालने के लिए जो पावर है उसको सामने लिख देंगे, माइनस क्या कर देंगे, लॉग 2 कर देंगे। तो माइनस कर दोगे तो क्या होगा, 0.3 हो जाएगा, और जब ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, 4. क्या होगा, 7। तो इस तरीके से पीएच ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, यस सर। मैं ऐसे केस को अप्लाई करना है तो आप ये का इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। एट अ 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना है, पीएच और पीओएच दोनों का सम अप कितना लेते हैं बोलो, 14। कितना लेते हैं बोलो, 14। यदि आपके पास पीएच है और आप पीओएच निकालना चाहते हो तो निकल जाएगा, यदि पीओएच है और पीएच निकालना चाहते हो तो भी निकल जाएगा। इसको इधर कर दो, उसको इधर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। छापिए, लिखे हो पहले, लिखाया था ना ये सब चीज को, तो लिख लिए हो तो फिर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब सीधा क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान रखने हैं, लॉग 2, लॉग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लॉग 3 का तो वैल्यू याद रख लो 0.3, लॉग 10 का वैल्यू याद रख लो 1, लॉग 5 का याद रख लो 0.7,
लॉग थ्री का याद रख लो 0.48, समझ आ रहा है? इसका 3010 होता है, मैं बस डिजिट के बाद का नंबर बता रहा हूँ। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आप लोगों को बताए हैं, लिख लो। तीसरा एक और पॉइंट बताया था, यदि क्वेश्चन में हमको पीएच, पीओएच, पीकेए और क्या दे रखा है बोलो, पीकेबी दे रखा है, पीएच दे के एच प्लस पूछे, पीओएच दे के ओएच माइनस पूछे, पीकेए दे के केए पूछे और पीकेबी दे रखे पीकेबी पूछे, ये सब यदि हमसे पूछ रहा है और ये क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? नेगेटिव एंटीलॉग। याद आया नेगेटिव एंटीलॉग का फार्मूला क्या था? एंटीलॉग 1 - दशमलव के बाद वाली संख्या लेनी थी और यहाँ पर टैन टू द पावर -1 + दशमलव के पहले वाली संख्या लेनी थी, मतलब जो पहले आएगा उस संख्या को आपको यहाँ पर लेना है। अब यहाँ से हम इस फॉर्मूले को क्या करेंगे बोलो, अप्लाई करेंगे। अब इसको क्वेश्चन बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो बताइए एक क्वेश्चन है जिससे आप ये दिया है और ये पूछ रहा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कुछ भी एक एग्जांपल सपोज ले लीजिए, आपको पीएच मान लो कितना दिया है, 4.7, कितना दिया है 4.7, और यहाँ पर पूछ रहा है क्या चीज़ बोलो आपसे, एच प्लस। अब इस एच प्लस के डाटा को लाने के लिए क्या करेंगे, चलिए जल्दी से इस फॉर्मूले में रखिए। क्या करते हैं, लॉग का उल्टा तो एंटी लॉग होता है, हमने पढ़ा ही है, तो ये एंटी लॉग क्या करेंगे, 1 - क्या करेंगे, दशमलव के बाद वाली संख्या। दशमलव के बाद वाली संख्या कितनी है, 0.7 इंटू टेन टू द पावर -1 + दशमलव के पहले वाली संख्या, कितनी है दशमलव के पहले वाली संख्या बोलो, 4 है। तो अब यदि इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एंटी लॉग, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 0.3 इंटू टेन टू द पावर माइनस कितना हो गया बोलो, 5। अब यदि इसको सॉल्व करूंगा, लॉग का वैल्यू कितना होता है बताइए, 2 का वैल्यू 0.3 होता है, तो 0.3 का उल्टा क्या हो जाएगा, एंटी हो जाएगा, तो एंटी मतलब कितना हो जाएगा, 2। तो आंसर क्या लिख देंगे, 2 × 10⁻⁵, ये क्या आ जाएगा, एच प्लस आ जाएगा। अपने आंसर की पुष्टि यहाँ से भी कर सकते हैं, यदि एच प्लस दिया है तो पी एच में ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 - log 2 कर दूंगा, तो आंसर देखो 0. कितना है, 3 है, तो 4.7 ये देखो H प्लस आ जाएगा, पी एच आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका इस्तेमाल करके हम क्या ला सकते हैं बोलो, ये दिया रहेगा तो ये निकल जाएगा और ये दिया रहेगा तो ये निकल जाएगा, क्या दोनों निकलना समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब आप लोगों को मैं, सबको समझ में आया, चलो क्वेश्चन लिखो फिर। चलिए मैं 8-10 क्वेश्चन देता हूँ आपको बनाना है, जो मैंने दिया है उसी को पूछना है। चलिए H प्लस इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁶, चलो क्वेश्चन बनाओ बनाओ बनाओ। जो सीखा है उसी को अप्लाई करना है, H प्लस दिया है। अच्छा सुनो तो सही, यदि आपको H प्लस दिया है तो क्या निकलेगा बोलो, pH, और OH माइनस दिया है तो क्या निकलेगा, POH। समझ आता है कि नहीं आता है? तो वैसे ही KA दिया है तो क्या निकलेगा, PKA, और KB दिया है तो क्या निकलेगा बेटा, PKB। लेकिन सर इसमें H प्लस दे के हमको तो POH दे रहा है, डरना है क्या? नहीं, H प्लस दे के यदि pH पूछ रहा है तो देखो ना, pH लाओगे यहाँ पे रखोगे और उसको उधर पलट दोगे तो POH आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, फिर से समझो, H प्लस दिया है क्या निकलेगा आपका, pH, pH आएगा, उसको इस फॉर्मूले में रखेंगे और उसको उधर पलट दोगे तो क्या आ जाएगा, POH। नहीं आया समझ में? इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, यही तो किया गया है, आपको H प्लस दिया है और आपसे पूछ क्या रखा है, POH, तो सबसे पहले क्या निकलेगा बोलो, H प्लस के जगह PH निकालेंगे तो क्या निकालेंगे बताओ,
ये सामने आएगा 6 माइनस क्या करोगे log 2, 6 माइनस log 2 करोगे तो 0 पॉइंट कितना हुआ 3, तो ये आंसर कितना हो गया हमारा 5.7, कितना हो गया 5.7। अब यदि आपसे pH निकल गया है तो उस फॉर्मूले का यूज कर देते हैं, pH POH इक्वल्स टू 14, तो यहाँ से क्या निकल आएगा, pH निकल आएगा कि सॉरी POH निकल आएगा कि नहीं आएगा, 14 माइनस क्या कर देंगे 5.7, अब 14 में 5 गया तो कितना होता है 9, और 9 में 0.7 गया तो कितना हो जाता है बोलो 8.3। नहीं आया समझ में, तो ये देखो ये आंसर, समझ आया कि नहीं आया, ठीक बना लीजिए। यहाँ पर से देखो OH माइनस है, अब इसको OH माइनस है तो यहाँ से क्या निकलेगा POH निकलेगा, अब यहाँ पर से फॉर्मूले में रखेंगे तो माइनस लॉग क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बताइए लॉग 3 का वैल्यू कितना होता है 0.4, 48 होता है लेकिन 4 लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा 4 पॉइंट कितना होगा ये 6। अब यहाँ से P क्या निकालना है H निकालना है, इसका डाटा आ गया है तो 14 माइनस क्या करेंगे 4.6, तो 10 हो जाएगा, ये तो 10 हो गया, 10 में 0.6 गया तो कितना हो जाएगा 9.4 क्या होगा आंसर होगा, क्लियर क्लियर है। चलिए थर्ड को बनाने का कोशिश करिए, डरिए मत, ये OH की जगह में K रख दिया है बस, हाँ ये तो फॉर्मूला ही है ना। थर्ड वाले में डरना नहीं है, जैसे ये OH दिया है वैसे यहाँ पर क्या दे रखा है Ka, और क्या पूछा है बोलो pKa, वही है H प्लस देके pH, तो Ka देके pKa, बस और कुछ नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे बताओ, pKa लाने के लिए बताओ जो पावर में है वो सामने आ जाएगा तो 5.5, और ये log क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 हो जाएगा, तो 5.5 माइनस log 2 0 पॉइंट कितना हो गया 3 हो गया, और 0.3 घटाओगे तो 5 पॉइंट कितना आ जाएगा बोलो 2 आ जाएगा। भाई देखना नहीं है, क्या कर रहे हो वही तो कर रहा हूँ, नया कर रहा हूँ क्या मैं, बनाइए गलत आ रहा है देखिए, बोधा टाइप का बैठ के देखोगे थोड़ी बनेगा। तो ये हमारा कितना आ गया बोलो pKa आ गया साहब, ठीक है खत्म आंसर, क्या सबका आया है वही आंसर है। अरे चार ठो एग्जाम्पल करा दिया, अब तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ, नया तरीका थोड़ी है, सब सेम तरीका है। कौन सा वाला ये एंटी लॉग निकालना है, वही तो मैं बोला है, जब यदि ये दिया है देख और ये पूछा है तो क्या यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो चलो कोशिश करो आंसर आएगा। इधर देखो pH देके H प्लस पूछ रहा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, नेगेटिव एंटी लॉग, क्या यूज करेंगे नेगेटिव एंटी लॉग। अब नेगेटिव एंटी लॉग का फॉर्मूला यूज करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो क्या करेंगे बताओ, एंटी लॉग लिखना है ऐसे, अब एंटी लॉग लिखेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 0.7, नहीं आया समझ में, इंटू 10^-1 प्लस क्या हो जाएगा 7, तो ये तो कितना हो जाएगा एंटी 0 पॉइंट कितना हो गया 3, और बेटा ये कितना हो गया 10^-8। अब 0.3 किसका वैल्यू है log 2 का, तो 2 लिखेंगे और 2 × 10^-8, ये क्या हो जाएगा आंसर, नहीं आया समझ में। अब लास्ट वाला नहीं बताऊंगा भाई, बनाना है खुद से, इसको बनाओ चलो, लास्ट वाले को कोशिश करो, अरे गलत हो तो गलत हो सही, अरे कम से कम प्रैक्टिस तो करो।
हो गया, लास्ट वाला आंसर लिया है। आपको क्या दे रखा है, देखो POH दे रखा है, थोड़ा दिमाग लगाना। सर POH दिया है लेकिन पूछा हमसे H+ है, तो पहले pH लाना पड़ेगा। H+ तो तभी आएगा जब आपके पास pH रहेगा। तो सर यहाँ मेरे को फॉर्मूला याद आया, आपने बताया था POH बराबर 14 होता है, तो यहाँ से मैंने pH लिख लिया, 14 - 10.3 कर दिया कि नहीं कर दिया बोलो यहाँ से। तो क्या यहाँ से मेरा 14 में 10 गया तो कितना हो गया, 4, और 4 में 0.3 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 3 कितना होगा बोलो। आ गया समझ में? अब आपका ये pH आ गया कि नहीं आ गया? अब H+ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग? नहीं आया समझ में? अब एंटी लॉग के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, 1 - दशमलव के बाद वाली संख्या, और इंटू क्या करेंगे, 10⁻¹⁰ - 1+ दशमलव के पहले वाली संख्या। तो ये कितना हो जाएगा, एंटी कितना हो गया बोलो, 0.10⁻¹⁴ कितना हो गया बोलो, 4। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁴ क्या हो गया, 4। कह दो यस या नो, सरल है। अब उसको भी चेक करना है कि pH आया कि नहीं आया, तो आप बेटा ये कर सकते हो, H+ कितना दे रखा है बताओ, 2 × 10⁻⁴ दे रखा है, तो pH बराबर क्या कर देंगे, 4 सामने ले आएंगे, log 2 लिख देंगे, तो 4 - 0.3 = 3.7 दिखाया कि नहीं आया, पुष्टि भी कर सकते हो अपने आंसर की। तो ये कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आप pH क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जब तक नहीं बनेगा तब तक छोड़ेगा नहीं मैं, समझ में आ रहा है, भर देगा क्वेश्चन संसार को पूरा pH से, और यहाँ पे बुला बुला के करवाएंगे फिर। इसलिए मेहनत करिए, सीखिए। हो गया साहब? अरे हो गया, लेकिन मुझे तुम पे, हाँ ले चल ले तेरी खुशी के लिए, ले लिख PKB बराबर, एक क्वेश्चन और लिखो, PKB बराबर दे रखा है 2.4 और पूछ रहा है KB क्या होगा। चलिए करिए भाई, KB = 2.4 है, चला हो करा हो तनिकवा, सन्नाटा बैठा है, तू तो मान ही नहीं रहा है। बहुत सुंदर, ये भविष्य की एग्रीकल्चरिस्ट है साले, जो जो हो तुम वो का कहीं के। चलिए क्या है, देखो एंटी लॉग करना है, एंटी लॉग क्या करेंगे, 1 - दशमलव के बाद वाली संख्या कितनी है, 0.4 × 10⁻¹⁰ + 1 + दशमलव के पहले वाली संख्या कितना है बेटा, 2 है। तो क्या लिखेंगे बताओ, एंटी लॉग 0. कितना हो जाएगा बोलो, 6 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 10⁻³। अब एंटी 0.6 किसका वैल्यू लिखाया है, 4 का है, तो भाई साहब 4 हो गया कि नहीं हो गया, इंटू क्या हो जाएगा, 10⁻³ आंसर। अच्छा ऐसा भी दिया होता, अब यहाँ से मैं PKB भी तो ला सकता हूँ, क्या कर देंगे, 3 - क्या कर देंगे, log 4, तो 3 - log 4 करोगे तो कितना होता है बताइए, 0.6, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2. कितना हो जाएगा, 4। नहीं आया समझ में, सरल है कि नहीं है। तो इस तरीके से हम pH कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई होप इतने सारे एग्जाम्पल के बाद तो भगवान भी खुश हो जाता है, आप तो इंसान हो। अब जिसका नहीं चाया होगा ना वो ठेठ गए बीता है, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ।
बना लिए? चलो,